अपने देश में ना कुछ बड़ा चल रहा है। चाइनीज कंपनीज पे एक के बाद एक क्रैक डाउन हो रहे हैं। पहले ऐप बैन हुए थे और अब फोन वाली कंपनीज के यहाँ रेड पड़ रही हैं। और मामला भी छोटा मोटा नहीं है, बड़े बड़े एलिगेशन है। तो चलो समझ लेते हैं कि भैया ये मामला क्या है। देखो 5-6 साल पहले आप सोचो ये चाइनीज फोन कंपनीज का मार्केट शेयर 2-4% था भारत में। आज देखो टॉप 5 में 4 चाइनीज कंपनीज है, अकेले इन्हीं का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है और इसमें वन प्लस वगैरह तो शामिल ही नहीं है। और इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज पर अब ईडी और इनकम टैक्स वाले रेड मार रहे हैं। 5 जुलाई को 40 अलग अलग जगह रेड मारी गई जो कहते हैं वीवो से रिलेटेड थे। और इस रेड के जरिए 400 करोड़ से ज्यादा की असेट्स को सीज किया गया। ये भी कहा गया कि वीवो से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर्स देश छोड़ के भाग गए। और ये भी एलिगेशन लगे कि कई सारे ऐसे चाइनीज नेशनल्स थे जो फेक डॉक्यूमेंट के जरिए यहाँ पर डायरेक्टर बन रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है, अप्रैल में शाओमी और ओप्पो के यहाँ पे भी रेड पड़ी थी। 22 अलग अलग स्टेट्स में उस टाइम पे रेड हुई थी जब ईडी ने शाओमी के 5,000 करोड़ से ज्यादा असेट्स को सीज कर दिया था फेमा वॉयलेशन के चलते हुए। और ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो रहा है। हमारी एजेंसीज कहती हैं कि भैया हम इनके रिकॉर्ड बहुत दिन से ट्रैक कर रहे थे और तब हमें लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमारी एजेंसीज कहती हैं कि यहाँ पे 2 तरह से गड़बड़ चल रही है। पहला है कि एक कंपनीज अलग अलग शेल कंपनीज में अपना प्रॉफिट भेज देती हैं ताकि इन्हें टैक्स ना देना पड़े, यानी कि टैक्स इवेजन का मामला है तो इनकम टैक्स इन्वॉल्व। दूसरा है कि इन शेल कंपनीज का पैसा इलीगली भारत से बाहर भेजा जा रहा है, मोस्टली टू चाइना, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी इन्वॉल्व है। और इस एलिगेशन का अमाउंट भी छोटा नहीं है। वीवो पे एलिगेशन है कि अपने टर्नओवर का 50% यानी 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्होंने ऐसे चाइना भेजा है। ये फोन वाली कंपनीज अकेली चाइनीज कंपनीज नहीं जिस पे क्रैकडाउन चल रहा हो। आपको ऐप बैन तो याद होगा, जून 2020 में जब 59 ऐप बैन हुए थे, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, लाइकी, वीचैट, कितने बड़े-बड़े ऐप बैन हुए थे। जुलाई में फिर से 47 ऐप बैन हुए थे और जुलाई में ही हमारी आर्मी ने कहा था कि 89 ऐसे डेंजरस ऐप्स हैं जो आपके कैमरे और लोकेशन की सर्विस को एक्सेस करते हैं, इन्हें मत यूज करो। और फिर सितंबर में 118 और ऐप बैन हुए थे जिसमें पबजी भी शामिल था। ये पबजी वापस से BGMI बन के आया लेकिन फिर से हट गया है। यानी कि गेम कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़े लेवल पे कुछ चल रहा है। फोन कंपनीज और ऐप बैन के साथ चाइनीज फिनटेक कंपनीज पे भी क्रैकडाउन है। जुलाई 2022 में ईडी ने इनके 155 बैंक अकाउंट्स के असेट को अटैच कर दिया था और ये कहा था कि इन्होंने अपने कोई लाइसेंस नहीं ले रखे, इन्होंने MOU साइन कर रखे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ में और इसी वजह से इनके भारत का जो धंधा है वो इल्लीगल है। और चाइना के लोन ऐप स्कैम का तो आप सुनते होंगे, भारत में कितने लोगों की जान गई है, उसमें भी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें वजीरेक्स और बाइनेंस वाला विवाद भी आ रहा है। फोन की कंपनीज, ऐप बैन, फिनटेक कंपनीज पे क्रैकडाउन, लोन ऐप स्कैम, ये सारा कुछ अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ बड़ा चल रहा है। अब आप ऐप बैन के साथ बोल सकते हो कि भैया डेटा तो सारे ऐप वाले लेते हैं, चाइनीज कंपनीज को क्यों बैन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फेसबुक, गूगल ये सब भी डेटा चुराते हैं बट इन पे कार्रवाई होती है, ये सब कुछ पब्लिक हो जाता है। मगर भैया चाइना ने तो लॉ बना रखा है, चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ। ये कहते हैं कि हम अपनी चाइनीज कंपनीज का कोई भी सर्वर, कोई भी डेटा कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि भाई अब आ चुका है जमाना साइबर वॉरफेयर का। जब गलवान में बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे थे तब भारत में एक और लड़ाई चल रही थी और वो थी साइबर अटैक्स। 43,000 साइबर अटैक्स उन 2 महीनों में भारत के अंदर हुए थे। इन्होंने पावर ग्रिड्स, बैंक्स, रेलवे, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इन सबको स्पेसिफिकली टारगेट किया था। अक्टूबर 2020 में आते मुंबई में एकदम अंधेरा हो गया था, तब कहते हैं रेड एको नाम का चाइनीज साइबर अटैकर ग्रुप था जिसने वो पूरा ग्रिड हैक करके ये काम किया था और हमारी मिसाइल्स और बाकी वॉरफेयर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफेंस से जुड़े हुए 11 अलग अलग इंस्टॉलेशन में भी ऐसे साइबर अटैक की कोशिश हुई थी। अरे भाई US नेशनल इंटेलिजेंस वाले भी कहते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ये साइबर अटैक के जरिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। और चाइनीज सरकार की हिपोक्रेसी देखिए कि बाहर का डेटा तो सारा चाहिए, अपने यहाँ बना रखी है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना जिसके जरिए इनका कोई डेटा बाहर नहीं जाएगा। इंटरनेट डिवाइड है कि किस वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कैसे पब्लिश होगा, ये सब सरकार कंट्रोल कर सकती है। 2021 में इन्होंने इंटरनेट लॉ को और मजबूत करके ये कह दिया कि चाइना वाले लोगों का कोई भी डेटा बाहर सेव नहीं होगा और किसी से शेयर भी नहीं होगा। अरे भाई ये टेस्ला की गाड़ियां गवर्नमेंट कंपाउंड्स में नहीं पार्क होने देते, कहते हैं इसके कैमरे से हमारे यहाँ स्पाइंग हो जाएगी। और इसीलिए भारत अकेला नहीं है जो चाइनीज कंपनीज पर ऐसा क्रैकडाउन कर रहा है। वावे के फोन में अब गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं आता क्योंकि US ने मना कर दिया है।
इनफैक्ट 5G जो कि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है उसमें भी चाइनीज कंपनी वावे बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन अमेरिका इसको यहां से भी कट ऑफ रखने की बात करता है, अपनी कंपनी से कहता है इनके साथ काम मत करना। द डेटा इज द न्यू ऑयल, इट कैन बी स्टोलन थ्रू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड नेक्स्ट जेन वॉर्स आर गोइंग टू बी साइबर वॉरफेयर, सो यू माई फ्रेंड शुड बी वेरी मच अवेयर। वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड इट एंड मेक श्योर यू शेयर।